अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम इंग्लिश 4 प्लस के अल्फाबेट्स आई और जे के बारे में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं अपने SLOs की तरफ। बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक चिल्ड्रन विल बिगिन टू रिकॉग्नाइज लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, रिकॉग्नाइज लेटर्स विद इनिशियल साउंड्स, अंडरस्टैंड दैट वर्ड्स एंड पिक्चर्स कैरी मीनिंग्स, Learn vocabulary as sight words. Think of a variety of objects beginning with a single letter of the alphabet. जी डियर टीचर्स एंड माई डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का अल्फाबेट और वो है आई। मगर उससे पहले कि मैं अपना ट्रेजर बॉक्स खोलूँ, हम सबसे पहले अपने लेसन का आगाज करेंगे आज फ्लैश कार्ड्स के साथ। जी डियर टीचर्स, तो हम अपने लेसन का आगाज़ सबसे पहले पुराने अल्फाबेट्स यानी जो अल्फाबेट्स हमने बच्चों को पहले करवाए थे पिछले, उनके फ्लैश कार्ड्स यानी साइट वर्ड्स की मदद से हम पिछले वर्ड्स की वोकैबुलरी को रीइंफोर्स करवाएंगे। और ये वोकैबुलरी वर्ड वो है जो आपने बच्चों को पहले कराए थे और ये सब जम्बल्ड हैं, यानी आपने कोई भी तरतीब बार अल्फाबेट नहीं रखना। आप जम्बल ऑर्डर में कोई से भी अल्फाबेट्स के वर्ड्स उठाएं, उनको मिक्स करें और बच्चों के सामने रखते जाएं और बच्चों की रीइंफोर्समेंट कराएं। जब आपने इन वर्ड्स की रीइंफोर्समेंट करवा ली हो, तो फिर हम चलेंगे अपने ट्रेजर बॉक्स की तरफ और हम देखेंगे कि आज के ट्रेजर बॉक्स में अंदर क्या है हमारे। तैयार हैं? हम खोलते हैं और अरे ये क्या, मेरे ट्रेजर बॉक्स में तो कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं ही नहीं। मेरे ख्याल से ट्रेजर बॉक्स चाहता है कि मैं आपसे सवाल करूं और पूछूं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर होनी चाहिए थी मगर नहीं है। पहले तो हम देखते हैं, अरे अरे ओहो ओहो ओहो, ये मुझे कुछ नज़र आया है, ये तो एक छोटा सा बॉक्स है, ब ब बॉक्स, यानी ट्रेजर बॉक्स के अंदर से एक और बॉक्स निकला। और ये बॉक्स भला किस चीज़ का है? ओ, खुलता कहाँ से है ये? यहाँ से। ओ, ये तो इसमें तो इंक है, यानी कि ये इंक पैड है। अच्छा, ये वही है जब हम कभी बाजार जाएं किसी काम से, और कभी आपने देखा है अपने अब्बू को या किसी बड़े को कि वो अपना अंगूठा लगाते हैं कागज़ों के ऊपर? जी, तो ये इंक पैड है। इसी तरह इंक वाली चीज़ जो है वो हम पेन में भी तो डालते हैं। अच्छा, पेन में जब हम इंक डालते हैं वो तो इंक पैड में नहीं होती, वो एक बॉटल में होती है। उस बॉटल को हम क्या कहते हैं? इंक बॉटल? नहीं नहीं, उसे हम इंक पॉट कहते हैं। ठीक, ये है इंक पैड और दूसरा होता है इंक पॉट। अच्छा, तो आप मुझे एक और चीज़ बताओ, वो क्या चीज़ होती है जो छोटी छोटी सी होती है और वो कभी हमें पौधों में नज़र आती है, कभी हमें घर में नज़र आती है, कभी वो उड़ रही होती है? नहीं समझ में आई। घर में और रिंगती हुई चीज़ें तो चींटियाँ होती हैं, फिर कभी कभी जो उड़ती हैं वो मक्खियाँ होती हैं, यानी कि फ्लाइज, है ना। इन सब को हम क्या कहते हैं? इनका एक मखसूस नाम होता है, इन्हें हम कीड़े कहते हैं। बिल्कुल सही, मगर कीड़ों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कीड़ा? नहीं पता, मैं बताती हूँ, कीड़े को इंग्लिश में इंसेक्ट कहते हैं। जी, तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि इंक पैड, फिर हमने इंक पॉट के बारे में जाना, और फिर इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि वो छोटी छोटी चीज होते हैं उनको क्या कहते हैं? इंसेक्ट कहते हैं। जबरदस्त। अच्छा, अब हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, मुझे ये तो बताओ कि ये सारी की सारी चीज़ें किस आवाज़ से शुरू हो रही है? ई, इंक, ई, बिल्कुल इंसेक्ट। तो ये सारी चीज़ें किस आवाज़ से शुरू हो रही हैं? ये है ई की आवाज़ से। और ये पता है किस अल्फाबेट की आवाज़ है? ये आई की आवाज़ है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास किताब के अंदर कौन कौन सी पिक्चर्स हैं और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आई ई से स्टार्ट होते हैं। जी, तो हमारे बुक के पेज में जो पिक्चर्स हैं वो हैं इंसेक्ट, यानी कि आई ई इंसेक्ट, फिर है आई ई इंक पॉट जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी,
और अरे ये क्या है? ये है इग्लू। क्या है? इग्लू, इग्लू। और ये पता है कहाँ बनता है? ये हमारे घर में थोड़ी होता है, क्योंकि ये तो बर्फीली जगह पे पाया जाता है जहाँ पे हर वक्त बर्फ पड़ती रहती है। जब आपने बच्चों से इन तस्वीरों और वर्ड्स की बात कर ली हो तो फिर हम चलेंगे अपने फ्लैश कार्ड यानी वोकैबुलरी वर्ड की तरफ, और साइट वर्ड्स की मदद से हम बच्चों को इग्लू, इंक पॉट और इंसेक्ट के वर्ड्स दिखाएंगे और ड्रिल करवाते हैं उनकी याददाश्त के अंदर ये वर्ड्स डालेंगे। जब आपने ये सारे काम करवा लिए हो तो फिर हम चलेंगे अपनी राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ। जी, तो कैपिटल आई को लिखने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। टॉप में हम एक स्लीपिंग लाइन डालेंगे छोटी सी, और नीचे भी एक स्लीपिंग लाइन होगी छोटी सी। ये है हमारा कैपिटल आई। स्मॉल आई को लिखने के लिए हम एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर एक डॉट डाल देंगे। ये है हमारा स्मॉल आई। जी डियर टीचर्स और मेरे प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कुछ राइटिंग की काम, लेकिन उससे पहले हम जरा एक छोटी सी बात कर लेते हैं। हम पहुंच गए हैं आई तक, और हो सकता है अब तक हमारी क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे हों जिनको सही तरह से पेंसिल पकड़नी ना आती हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। अब आपने करना ये है, ये टीचर्स भी करेंगे और बच्चे भी करेंगे, कि आपके पास एक रबर बैंड होगा, तो हम ये रबर बैंड को अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब के दरमियान में ऐसे रख लेंगे। हो गया? फिर हम पेंसिल को ये नीचे पाम, इसे हम पाम कहते हैं जिसे हथेली उर्दू में बोलते हैं, तो हम पेंसिल को हथेली के यानी पाम की तरफ से इस रबर बैंड के अंदर डालेंगे। डालने के बाद इसे हम ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे। जब हम ट्विस्ट करेंगे तो ये जो हमारी मिडिल फिंगर है इसके ऊपर हम पेंसिल को रेस्ट देके पेंसिल पकड़ लेंगे, और हमारी पेंसिल की ग्रिप सही हो जाएगी। जी, अब यहाँ पे आपने अंदाज़ा रखना है कि बहुत नीचे से नहीं पकड़ना और बहुत ऊपर से भी नहीं पकड़ना, आपने इसको बिल्कुल सही जगह पे ऐसे पकड़ना है। अब आप जब लिखना शुरू करेंगे इस तरह से तो ना आपकी पेंसिल हिलेगी और ना ही आपको दर्द होगी। जब आई की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और बच्चों को आई की फॉर्मेशन आ जाए तो फिर जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई बुक का पेज खोलें और बच्चों को पहले कैपिटल आई और फिर स्मॉल आई लिखवाएं। जी डियर टीचर्स, जब बच्चों के साथ आपने आई ई के बारे में बातचीत कर ली हो और उनकी परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हो तो फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट अल्फाबेट की तरफ, और वो है हमारा अल्फाबेट जे। जी, आप जरा मुझे ये तो बताएं कि जे की आवाज़ क्या है? ज़बरदस्त, जे की साउंड है ज। तो आपने ये करना है कि आपने बच्चों को जे ज की कुछ पिक्चर्स दिखानी है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि बच्चों के पास जे ज के बारे में वोकैबुलरी वर्ड्स आ जाएं, उनको पता हो कि कौन कौन सी चीज़ें जे ज से स्टार्ट होती हैं। जब आपने इनके बारे में बात कर ली हो तो फिर हम चलेंगे अपने पेज की तरफ, और उधर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी पिक्चर्स हैं। हमारे पास है जे ज जग। ओ, ये तो जूस वाला जग है, यानी कि जे ज जूस और जे ज जग, और ये ऑरेंज जूस है, मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा, फिर हम अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। अगली कौन सी पिक्चर है हमारे पास? हमारे पास है जे ज जेट। बिल्कुल, अगली तस्वीर हमारे पास जे ज जैम। अच्छा, आखिरी पिक्चर क्या है? आखिरी पिक्चर हमारे पास है जे ज जैकेट, जो हम सर्दियों में पहनते हैं। जब सर्दी लगती है तो मम्मी कहती है जैकेट पहन के बाहर जाओ। बिल्कुल, जब आपने इनके बारे में बात कर ली हो तो फिर आप फ्लैश कार्ड्स की मदद से साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाएंगी, और वो सारे साइट वर्ड जो है वो जे के होंगे। जब आपने ये वाला काम करवा दिया हो तो फिर हम चलेंगे अपनी राइटिंग फॉर्मेशन की तरफ। कैपिटल जे को लिखने के लिए हम टॉप लाइन से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और लेफ्ट साइड की तरफ एक हुक बना देंगे। टॉप पे हम एक लेटी हुई लाइन डाल देंगे। ये है हमारा कैपिटल जे। स्मॉल जे लिखने के लिए हम सेकेंड लाइन से नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ हुक बना देंगे, और टॉप पे हम एक डॉट डाल देंगे। ये हमारा स्मॉल जे। जी डियर टीचर्स, तो हम चलते हैं अपनी प्री राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ। जी, प्री राइटिंग प्रैक्टिस से पहले हम कुछ वार्म अप टास्क कराएंगे, वही जिससे हम बच्चों की फिंगर्स की और हैंड की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइजेस करवाते हैं,
वही वाली आप एक्सरसाइजेस बच्चों से करवाइए, उसके बाद हम फ्री राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, जिसमें बच्चे जो है वो हवा में लिखेंगे, अपनी रिस्ट पे लिखेंगे, अपने पार्टनर की बैक पे लिखेंगे, सैंड ट्रेस पे लिखेंगे, मेज पे लिखेंगे, और फिर आप बारी बारी बच्चों को बुला के बोर्ड पे लिखवाएंगे। फिर उसके बाद आप जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई बुक का पेज खोलेंगे, बच्चों को कैपिटल जे लिखवाएंगे और स्मॉल जे लिखवाएंगे। अब यहाँ पे ये भी जहन में रखिएगा कि हमने जो रबर बैंड वाली एक्टिविटी की थी पेंसिल पकड़ने की, वो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको यहाँ भी इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि बच्चों की फॉर्मेशन नीट आए और बच्चों को पेंसिल सही तरह से पकड़नी आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।